हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर अपना 4 नंबर लेक्चर है। इधर जो अपन लर्न करेंगे, सब तो पहला टॉपिक अपना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अपन देखो, 3 मैट्रिसेस देते उन्हें, ए बी सी। अपन ए ते बी ऐड करनो क्या उन्हें, देखो ए प्लस बी। तो पहला आप ध्यान रखना है कि एडिशन उदों ही पॉसिबल है 2 मैट्रिसेस दे जदों उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे। ये देखो ए ते बी नू ऐड करन नू क्या है, तो पहला आपां ए दा ऑर्डर देखिए, वो है 2x2। बी दा ऑर्डर भी 2x2, इहदा मतलब की है एडिशन है जिहड़ी पॉसिबल है। तो एडिशन करनी किवें, आपां कोरसपोंडिंग एंट्रीज नू ऐड करना है। देखो जिवें पहली एंट्री उहने 2 है, इत्थों 1, 2 प्लस 1 3 हो गया। फिर दूसरी एंट्री 4 ते 3 7, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज अपना समझा हुआ पिछले लैक्चर्स दे विच। इस तो बाद 3 एंड -2, दैन 2 एंड 5, मतलब सेम पोजिशन वाले एलीमेंट्स आपस ऐड होंगे जिन्हों की आप बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। तो ये ऐड करन तो बाद सिंपल कैलकुलेशन है, 3 बन जाएगा 7 है, यू कैन डू योर सेल्फ। इसी तरह ही अपन जो 3 मैट्रिसेस कहा जाए तो आप तिना भी एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। तो रूल सेम होएगा कि जिन्होंने ऐड करना है उन्हों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो तुम इतने देख सकते हो कि ए बी सी तिना का ऑर्डर 2x2 है, तो यदा मतलब एडिशन हो सकती है। ऐड करन का मैथड उ है कि कोरसपोंडिंग एंट्रीज मतलब सेम पोजिशन वाली एंट्रीज ऐड हो जिमें 2 1 ते -2, देखो इतने लिखा हुआ 2 1 ते -2। फिर उस तो बाद ये पोजिशन वाली 4 3 ते 5, ये देखो इतने, इदों बाद ए वाली एंट्री हो जाएगी, फिर नैक्सट ए वाली, उस तो बाद इन्हां दी कैलकुलेशन है। सबट्रैक्शन या फिर डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये 2 तरह के टाइटल्स अपन पता होने चाहिए, इको ही गल है वैसे। तो सबट्रैक्शन करनी या डिफरेंस करना, तो ये भी रूल उ है कि दोनों मैट्रिसेस जिन्हों आप प्लस करने वेले सोचा सेगा कि उन्हों का ऑर्डर सेम हो, वही सेम है। माइनस वन वेले भी उन्हों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए ते सी का ऑर्डर सेम है, ये ए माइनस सी हो सकता है। जे अपन कहे कि ए माइनस सी करो तो इट्स पॉसीबल। फिर उस तो बाद कोरसपोंडिंग एंट्रीज नू ही माइनस करना है, जिवें इत्थे 2 है तो उहदे कोरसपोंडिंग एंट्री की है -2। तो देखो 2 दे विचों -2 करना है, 4 दे विचों माइनस करना है 5, क्योंकि आपां नूं ए माइनस सी करन नूं क्या। तो कोरसपोंडिंग एंट्रीज जिहड़ियां उह माइनस हो रही हैं, 2 चों 4 माइनस हो रहा है, तो ए रिजल्ट बन जाएगा अपना। उस तो बाद थर्ड ऑपरेशन है जिहड़ा, वह है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इहनूं आपां अच्छी तरह समझना है, मैट्रिक्स लिख लिया एक आपां, तो आपां नूं कह रहे हैं 3 टाइम्स ए करो। तो यह जिहड़ा 3 है, दिस इज कॉल्ड द स्केलर, ये अपना स्केलर है, ये अपना मैट्रिक्स है। तो हुण आपां नूं टाइटल का पता लग गया कि असीं की करना है, एक मैट्रिक्स नूं एक स्केलर नाल मल्टीप्लाई करना है। तो यह मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है 3 नाल, जिहड़ा कि एक स्केलर है। तो इस तरह लिखा जाएगा, स्केलर बार है इंटू मैट्रिक्स। इहदे लई रूल की है कि जिहड़ा स्केलर है वह सारियां एंट्रीज दे नाल मल्टीप्लाई हुंदा है। देखो 3 1 ना मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, 3 नू 2 ना मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, 3 नू -3 नाल किया, 3 नू 5 नाल किया, तो इदा रिजल्ट बन जाएगा कि किसी मैट्रिक्स नू स्केलर नाल किस तरह मल्टीप्लाई करना है। ये ते बेस अपने को NCERT ते क्वेश्चनस आ जिहड़े कि होमवर्क तुसी करने है, ये वाले लिखे हुए शीट च तुहानू पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।